भोजपुरी इंडस्ट्री के सलमान खान है पवन सिंह, और सलमान खान ने भी वहाँ पे बहुत लड़कियों को स्टेबल किया है, जगह दिया है, और इन्होंने भी दिया है, ये जग जाहिर है, पूरे पूरा बिहार जाहिर। अब जिसको पवन सिंह अक्षरा सिंह के नाम पे उछल कूद के टीआरपी कमाना है कमा लीजिए, ठीक है, लेकिन ये अक्षरा के पिताजी कहते हैं कि पवन सिंह कौन है, वो घंटे का पावर स्टार है, इस पर बवाल मचा हुआ दोस्तों। ऐसे इससे पहले भी आपने लगातार खबरों में देखा कि अक्षरा सिंह की प्रेग्नेंट के मामले चर्चे जो चल रहे हैं। देखिए ऐसे में ट्रॉल जो की जा रही है, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो आर्टिस्ट हैं वो अपने जगह पे काम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन इसमें ट्रॉल करना, तुल देना या फिर इसमें कंट्रोवर्सी लाना क्यों दी जा रही है, क्यों की जा रही है, क्यों, कौन मतलब कि टीआरपी लिया जा रहा है, क्यों, आखिर वजह क्या है। देखिए हमारे साथ रूही जी हैं महिला सुरक्षा से, इनसे हम विस्तृत बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि आखिर भोजपुरी में मैडम ये चल क्या रहा है। देखिए क्या चल रहा है, ये चीज़ें तो बहुत शर्मनाक है, जिन चीज़ों को ख़त्म हुए इतने साल हो गए, चीज़ें ख़त्म है, सब अपने अपने ज़िंदगी में मस्त हैं, और उसके बाद नया नया बयान आना अक्षरा सिंह के पिता के द्वारा, फिर ज्योति सिंह जो पत्नी मतलब कि पवन सिंह की पत्नी हैं, तो उनके द्वारा तरह तरह के बयान आना, ये बयान किस रूप में देख रहे हैं आप अक्षरा सिंह के बारे में, जो भी बोला गया है प्रेगनेंसी को लेके या फिर जो भी अंट संट बका गया है, मैं उस बयान को बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही वाहियात मानती हूँ। एक तरफ देखिए अक्षरा के पिताजी कहते हैं कि घंटा का पावर स्टार, दूसरी तरफ प्रेगनेंसी वाले चर्चे चल रहे हैं, इससे क्या लग रहा है? देखिए जहाँ तक घंटा का पावर स्टार वाला जो बयान है, ये जो बातें कही जा रही है उसमें मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, भोजपुरी इंडस्ट्री के सलमान खान है पवन सिंह, जैसे बॉलीवुड में है वैसे ही पवन सिंह यहाँ के सलमान खान है। अब जैसे सलमान खान कंट्रोवर्सी में रहते हैं लड़कियों को लेके, वैसे ही पवन सिंह बिहार में रहते हैं, यही फंडा एकदम क्लियर है। वहाँ की मानसिकता इतनी तुच्छ नहीं है कि वहाँ के लोग बोलेंगे ये हीरोइन प्रेग्नेंट हो गई थी, ये इस हीरोइन को छोड़ दिया गया, इस हीरोइन के साथ ये हो गया, यहाँ की मानसिकता तुच्छ है, तो उस एक बयान को लेके इतना ज्यादा घसीटा जा रहा है, किसी महिला की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, ये कहीं से भी सही नहीं। रोहित जी उससे भी बड़ा बवाल चल रहा है कि ये कह रहे हैं कि अक्षरा कह रही है कि नहीं हम अपने पहचान से चमके हैं, अपने आइडेंटिफिकेशन बनाए हैं, पवन सिंह कई लोग कह रहे हैं कि नहीं पवन सिंह के द्वारा ही जो चमकाया गया है इनको, तो मतलब आखिर आइडेंटिफिकेशन का अपना अपना जगह पे इम्पोर्टेंस है। देखिए वो जहाँ तक आइडेंटिफिकेशन की बात है और कौन कहाँ तक पहुँचे हैं, कौन कहाँ तक चमके हैं, ये कुछ चीज़ें सितारों की ज़िंदगी में जो होती है ये किस्मत से जुड़ा हुआ होता है, तो कुछ इसमें किस्मत का देन होता है, कुछ पहचान की बातें होती है, और जो एक लाइन मैंने पहले बोला वही मैं फिर से अभी यहाँ पे दोहराऊंगी इस जवाब में भी, कि वो इस इंडस्ट्री के सलमान खान है, और सलमान खान ने भी वहाँ पे बहुत लड़कियों को स्टेबल किया है, जगह दिया है, और इन्होंने भी दिया है, ये जग जाहिर है, पूरे पूरा बिहार जानता है, पूरा भारत जानता है इस चीज़ को। मतलब कि पावर स्टार वो मतलब कि नाम से नहीं काम से जाने जाते हैं। बिल्कुल है काम से, अभी देखिए ना सब लोग छीछल इधर कर रहे हैं ना, उन्होंने कुछ बोला नहीं बोला ना, क्योंकि उनके लिए ये बयानबाजी मायने ही नहीं रखती है, कोई मायने नहीं रखती, और मेरे समझ से बोलना भी नहीं चाहिए, जिनको जो बकना है बकते रहे। पावर स्टार मतलब के जहाँ तक पवन सिंह का लेवल अपना एक ऑरा है अपना एक मतलब वो बनाए हुए हैं, वो इन चीजों में फोर चीजों में नहीं पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप देखिए ना उन्होंने लाइव आके बोला है, जब उनकी पत्नी को लेके काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही थी तो उन्होंने लाइव आके बोला है, बहुत ही मार्मिक ढंगों से अपने दिल की बात उन्होंने रखी है, टीवी पे आए सारा कुछ बोले, तो कहने का मतलब है कि उनको पता है कि कौन लोग मुझे समझ सकते हैं, कौन लोग मुझे नहीं समझ सकते हैं, जहाँ पे ज़रूरत है वो ज़रूर आके बोलेंगे, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जो फूहर तरह की बातें हो रही है, इतनी गंदगी वाली बातें हो रही है, इतनी शर्मनाक बातें हो रही है, उसमें एक प्रतिष्ठित कलाकार को आके उठ के कुछ भी बोलना चाहिए। बताइए कि अक्षरा सिंह और अक्षरा सिंह के जो पिताजी हैं वो क्यों नहीं समझ पा रहे, वो क्यों मतलब इस तरह से, और इसको देखिए उनके पिताजी की जहाँ तक बात की जाए उन्होंने शुरू से ही यही किया है, उल्टा पुल्टा बयानबाजी आज भी वो वही कर रहे हैं, किस आधार पर वो बोल रहे हैं, काम ही यही है, वो किस आधार पर बोल रहे हैं कि पवन सिंह घंटे का पावर स्टार है या नामर्द है, ये है वो है, पूरा बिहार जानता है। नामर्द शब्द का इस्तेमाल करना ये कितना गंदगी, वो पूरा बिहार जानता है। और देखिए जहाँ एक तरफ नामर्द की बात आ रही है वो कह रहे हैं, तो भैया उनकी ही लड़की है अक्षरा, वो प्रेग्नेंट हुई है पवन सिंह से 3 मंथ्स का, तो फिर क्या वर्ड यूज कर रहे हैं वो? देखिए प्रेगनेंसी की जहाँ तक बात है वो तो मैं नहीं क्लियर करूंगी, लेकिन चर्चाएं का बाजार गर्म है, हुई है या नहीं हुई है वो तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ कभी ना कभी ये दोनों रिलेशनशिप में ज़रूर थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो जाहिर सी बात है अगर मर्दानगी पे सवाल उठा रहे तो उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है ऑब्वियसली। हाँ। तो फाइनली यदि जो कंट्रोवर्सी चल रहा है ये तुल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि इस पर
मतलब इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। जी, अब जिसको पवन सिंह अक्षरा सिंह के नाम पे उछल कूद के टीआरपी कमाना है कमा लीजिए, ठीक है, लेकिन ये विषय मुझे नहीं लगता है कि बिहार में उतना जोरदार होना चाहिए। सही क्या है ना, बिहार में ये इस विषय को इतना जोरदार बना के मजबूती तरीके से एकदम ढंग से, सही क्या है गलत क्या है, चर्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस गंदगी फैलेगा इस तरह से, कुछ भी फोहर फोहर तरीके से नामर्द कुछ भी इस तरह से उल्टा सीधा। अब देखिए, ये जहाँ तक बात है ना, तीनों की जिंदगी सेपरेट है, ठीक है, तीनों की जिंदगी को कौन जोड़ रहा है, हम लोग जोड़ रहे हैं, जो इस पर बात कर रहे हैं वो जोड़ रहे हैं। उन्होंने बयान दिया, उस बयान का खंडन करना चाहिए लोगों को, ना कि उस तह में जाना चाहिए क्या प्रेग्नेंट थी नहीं थी, उस टाइम का क्या था। अब उस वीडियो को निकालो, उस फोटो को निकालो, उसे क्या होगा, उस लड़की की जिंदगी और बर्बाद होगी ना। जैसे ज्योति सिंह के पिता अभी बोल रहे हैं मेरी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा, तो एक बार सोचिए, ये चीज अक्षरा सिंह के भी पिता को सोचना चाहिए और ये चीज बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये भी तो अनमैरिड है, अब इनका क्या होगा। इस तरह की चीजें एक महिला होने के नाते महिला के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तीनों की जिंदगी में नए अवसर आएंगे, नए तरीके से तीनों का जिंदगी शुरू होगा और इनमें जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं उन लोगों के मुंह पर बहुत जल्द ताला भी लग जाएगा। देखिए, इतनी बातों से मुझे ये स्पष्ट लग रहा है कि पवन सिंह का लेवल इतना हाई है कि ये अक्षरा सिंह और अक्षरा सिंह के जो पिताजी हैं ये लोग चाहते हैं कि नहीं, इस तरह से बयानबाजी करके उल्टा सीधा बोल करके हमारा जो एक पब्लिसिटी का जो तरीका है या फिर लोगों के बीच में जो तरीका है वो बनाते रहे, क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल, देखिए पवन सिंह जाहिर सी बात है जिनके बारे में हम लोग इतना बात कर रहे हैं उनको सब जानता है, लेकिन क्या वो सबको जानते हैं? सवाल तो है ना कि क्या आपने आप काम से चेहरा दिखाइएगा कि इस तरह से फुहारता से चमकाइएगा, मतलब आप मुझे बताइए बिहार बदनाम क्यों है? फुहारता को लेके ही तो है, छोटू आरती, पवन अक्षरा, ज्योति सिंह, लव ट्रायंगल को लाना है, लड़का मर गया, आरती अपनी जिंदगी जी रही है ना, और यही सब चीज घर, मतलब बिहार का पहचान फुहरता से ही होगा, तो फुहरता ही तो है पहचान, तो अभी ये बिहार को बदनाम इसी आधार पर तो किया जाता है। बिहार में समस्याएं नहीं है, एक से एक समस्याएं हैं, उसको देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, प्रतिभावान लोग हैं, हर रोज बिहार में हिंसा हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रहा है, रेप हो रहा है, लड़कियां गायब हो रही है, एक से एक चीजें हैं, महिलाओं पर बात करने के लिए एक से एक चीजें हैं, बात करनी है उस मैटर पर बात कीजिए, इनके लव ट्रायंगल में जाके हमारा आपका कोई भला नहीं होना है, बिहार का कोई भला नहीं हो रहा है मेरी समझ से। अब महिलाओं की दशा भी नहीं सुधरनी है, वो तीनों अपने अपने जगह पे ठीक है, पवन सिंह ज्योति सिंह को भी मेंटेनेंस देंगे ही, पत्नी थी वो भी अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से ही गुजारेगी, ये दोनों भी अपने अपने जगह पे अपने अपने मुकाम पर हैं, इससे इस पर चर्चा करके तो बिहार का क्या भला होगा? मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा मामला चल रहा है, मेंटेनेंस देंगे ही, पवन सिंह को कोई कमी नहीं है, तो भैया ज्योति सिंह को या अक्षरा या और किसी को चुल क्यों मच रही है इस तरह की? वही तो बात है ना कि ज्योति सिंह को मान लीजिए उतनी पहचान उनके पास नहीं थी जितनी पवन सिंह के पास है, दोनों बात मैं बोलूंगी, उतनी पहचान ज्योति सिंह की नहीं है जितनी अक्षरा सिंह के पास है, तो अभी ज्योति सिंह क्या कर रहे हैं, ये उनका पब्लिसिटी स्टंट है बस, कि नेगेटिव पब्लिक स्टंट से काम चलाएंगे, हमको मीडिया में आके दो स्टार के बारे में इतना गंदगी बकना है कि मुझे सब कोई जाने, मतलब कुछ भी बक देना, कुछ भी बक देना है, अगर कुछ भी नहीं बकी है तो वो उनका आधार लाए ऐसे ही किसी को मुंह उठा के, ये बहुत शर्मनाक है बोलना, इस रिलेशन को खत्म हुए इतना टाइम हो गया उसको लेके बोलना ये था वो था, बहुत गंदगी है। बिल्कुल।